लोक निर्माण विभाग अर्की के विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन। कुछ नेता अपने काम से अपने योगदान से अमर होते हैं, उनमें से एक नेता राजा साहब थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव व सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश संजय दत्त। उपचुनाव की रणनीति पर किया गया मंथन। लोक निर्माण विभाग अर्की के विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर ने की। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव व हिमाचल के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर व संजय अवस्थी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रदेश सह प्रभारी ने होने वाले उपचुनावों के चलते सभी पदाधिकारियों, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल SC डिपार्टमेंट, नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभी पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, पंचायतों के प्रधान उपप्रधानों के साथ अगली रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के साथ ही लोगों की समस्याओं व सरकार की कमियों को विशेष रूप से उठाने को कहा। उनका कहना था कि लोगों की निगाह कांग्रेस की तरफ है क्योंकि वह विपक्ष में बैठी है और इस कारण कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने में लगी है, जैसे कि जासूसी कांड के खुलासे से साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी कांग्रेस का ही विधायक होगा और हम सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राजा साहब के सपनों को साकार करने का चुनाव है, क्योंकि आज राजा साहब हमारे बीच में नहीं है और आज हमको यहाँ आना पड़ रहा है। कुछ नेता अपने काम से अपने योगदान से अमर होते हैं, उनमें से एक नेता राजा साहब थे, उनका किया हुआ योगदान हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस की सरकार को लाना है। पूरा भारत इस विधानसभा पर आंखें गड़ा कर बैठा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट रहे तो हर चुनाव में जीत कांग्रेस की होगी। राजा साहब सबसे कहते थे कि हमारा एक ही मिशन है, वो मिशन है हिमाचल प्रदेश की जो घड़ी बीजेपी ने बिगाड़ी है उसको फिर से ट्रैक पे लाना है। 2022 के चुनाव में यहाँ पे फिर से जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस की सरकार को लाना। हम सबको इस बात का एहसास है कि राजा साहब के इस सपन को पूरा करना है तो उसकी शुरुआत अर्की के विधानसभा बाय इलेक्शन से करनी पड़ेगी। पूरा हिमाचल ही नहीं, पूरा भारत इस विधानसभा क्षेत्र के प्रति अपनी आंखें गड़े हुआ है, देख रहा है कि राजा साहब ने जो अच्छा काम यहां शुरू किया, जो हिमाचल के लिए सपना देखा, उस सपने को साकार करने में हमारे अर्की के मतदार भाई बहन कितना ताकत से फिर से राजा साहब की तरफ देखते हुए प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस के। अर्की से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।